विरासत को आगे बढ़ाने का स्वरूप भी दिखाने के लिए फिल्म बनाने का 75% बिहार में शूटिंग करने का और 75% बिहारी कलाकारों को उसमें भागीदारी कराने का, हर कार्यक्रम में, हर महोत्सव में, हर मेला में बिहारी कलाकार की धूम रहेगी, उसकी प्रतिभा का सम्मान होगा, वो आगे बढ़ेगा। जो हमारा अवैध बालू ट्रक से ले जाता है उसको पकड़वाने पर 10,000 रुपया के इनाम, ट्रैक्टर पर 5,000 रुपया के इनाम और ट्रक पर 10 लाख की फाइन और ट्रैक्टर पर 5 लाख की फाइन है। उनकी गोपनीयता भी रखी जाएगी, सम्मानित भी होंगे। अब बिहार माफिया राज से मुक्त होगा। हम उसका नाम बिहारी योद्धा दिए हैं, वो बिहारी योद्धा इस गौरव को बढ़ाएंगे और हम सरकार की ओर से सम्मानित करेंगे। आप देख रहे हैं सच टॉक्स को, हमारे साथ हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी। जिस तरह से बिहार सरकार ने फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को लागू किया, डिजिटल मीडिया के क्रिएटरों के लिए बहुत कुछ हुआ। अब बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है डिजिटल क्रिएटरों के लिए और डिजिटल पत्रकारों के लिए कि अगर आप अवैध बालू उत्खनन पर वीडियो बनाते हैं तो आपको बिहार सरकार सम्मानित करेगी। जानते हैं, बहुत बड़ी घोषणा है और अभी विधानसभा का जो है शीतकालीन सत्र भी चल रहा है। सर, ये बहुत बड़ी घोषणा है। नहीं, फिल्म नीति के माध्यम से बिहार के अंदर एक नया बदलाव, बिहार के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, हमारे विरासत को आगे बढ़ाने का स्वरूप भी दिखाने के लिए फिल्म बनाने का, 75% बिहार में शूटिंग करने का और 75% बिहारी कलाकारों को उसमें भागीदारी कराने का हमने बनाया। उसी तरह से खनन नीति बनाया है, जिस खनन नीति के तहत जो हमारा अवैध बालू ट्रक से ले जाता है उसको पकड़वाने पर 10,000 रुपया के इनाम, ट्रैक्टर पर 5,000 रुपया के इनाम और ट्रक पर 10 लाख की फाइन और ट्रैक्टर पर 5 लाख की फाइन है। उनकी गोपनीयता भी रखी जाएगी, सम्मानित भी होंगे। अब बिहार माफिया राज से मुक्त होगा और बिहार का जो गौरवशाली इतिहास है, ठहरी हुई विरासत को बढ़ाने के संकल्प को हमारे योद्धा, हम उसका नाम बिहारी योद्धा दिए हैं, वो बिहारी योद्धा इस गौरव को बढ़ाएंगे और हम सरकार की ओर से सम्मानित करेंगे। सर, बिहार के आप कला संस्कृति विभाग को भी देख रहे हैं और सोनपुर मेले में जिस तरह से एक परिपाटी चल रही थी, बॉम्बई के कलाकार, इधर के कलाकार, उधर के कलाकार, इस बार आपने पूरे बिहार के कलाकारों को भर दिया, कितना कठिन था? हमने साफ नीति बनाई है कि 75% अपने बिहार के कलाकारों का ही कला प्रदर्शनी होगा, 25% ही बाहर के कलाकार होंगे और इसी को लेकर के अब हर कार्यक्रम में, हर महोत्सव में, हर मेला में बिहारी कलाकार की धूम रहेगी, उसकी प्रतिभा का सम्मान होगा, वो आगे बढ़ेंगे। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी और लगातार हम बात करेंगे और आपको बताएंगे बिहार सरकार की कई नीतियों के बारे में।